दोस्तों इस बात से तो आप सभी वाकिफ हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही हैं, जिसके चलते हाल ही में सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा ने बेबी शावर की पार्टी दी थी, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। कुछ तस्वीरों में दाढ़ी मूछ के साथ वन पीस ड्रेस पहने एक शख्स भी नजर आ रहा है, जिसके चलते सभी ये जानना चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ के साथ गर्ल्स की ड्रेस पहने ये शख्स आखिर है कौन। तो आपको बता दें, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश पाकिस्तानी सिंगर लियो कल्याण है। लियो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोनम के बेबी शावर की कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें वो अपना गाना परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद लियो ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर काफी नफरत भरे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग उन्हें बहुत ट्रोल कर रहे हैं। लियो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, नफरत वाले कमेंट्स मुझे जरा भी परेशान नहीं करते, क्योंकि पहली बात तो ये उनमें से कुछ बहुत ही फनी है। मैंने उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया और हम उन्हें पढ़कर बहुत हंसे। ऐसे अभद्र कमेंट मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि बेपरवाह होकर अपना जीवन जीकर मैं वास्तव में लोगों और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दे रहा हूं, जिसका अर्थ है मैं कुछ सही कर रहा हूं। लियो ने आगे लिखा, मैं सबको जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास बहुत से मैसेज आए हैं, लेकिन मैं आराम से उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और आपके प्यार के लिए धन्यवाद, सच में मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। हर एक लाइक शेयर और कॉमेंट या मैसेज किसी दुआ से कम नहीं। कुछ इस तरह से लियो ने ट्रोलिंग का सामना किया। बता दें कि सोनम कपूर जल्दी मां बनने वाली हैं और उन्होंने लंदन में अपनी बेबी शावर की पार्टी रखी थी, जिसमें लियो ने कई सारे गाने गाए और लोगों को उनके पैरों पर झूमने पर मजबूर कर दिया। सोनम भी अपनी फिल्म दिल्ली 6 के मसक्कली गाने पे थिरकती दिखी। बेबी शावर पार्टी में सोनम गुलाबी रंग के गाउन में बार्बी डॉल की तरह दिख रही थी। सोनम के चेहरे पर मैटरनिटी ग्लो साफ नजर आ रहा है। अब बस इंतजार है कि सोनम कपूर कब तक माँ बनती है। वेल, सिंगर लियो कल्याण की इन तस्वीरों पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।